तो श्रीनु माय फॉर मार्केट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. इनफैक्ट मुझे चंडीगढ़ में आके इतना अच्छा लग रहा है. मैं इतने लोगों से मिली, देयर सो वार्म, द सिटी इज सो वेल केप्ट, इतने अच्छे रोड्स हैं, ट्रैफिक इज सो वेल मैनेज. एंड यहाँ आके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आप सब इतने प्यारे हैं, इतने हैप्पी को लकी लग रहे हैं. मुझे अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है क्योंकि वेलकम भी हुआ था ना, वेलकम टू सिटी ब्यूटीफुल. व्हेन अ ब्यूटीफुल डिवा इज कमिंग टू सिटी ब्यूटीफुल टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, सो दैट्स वंडरफुल. थैंक यू. तो श्रीनु, पहले आपने किया इस प्यार को क्या नाम था, फिर उसके बाद फिर से प्यार हुआ और आपने किया इशकबाज, और इसके बीच में पहला स्पिन ऑफ हुआ है दिल बोले हड़ीपा, जो कि मेन लीड आपकी का दिल बोए ओबरॉय. सो दिल बोले ओबरॉय का सफर और उसके बाद स्पिन ऑफ करके इशकबाज तक पहुंचना, सो ये कैसा रहा आस्था के साथ और गौरी के साथ? आस्था के बाद बहुत टाइम लग गया मुझे प्यार होते होते, उसके बाद जाके मैं इश्कबाज बनी हूँ. आस्था और गौरी दो बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और बीच में मैंने काफ़ी लंबा गैप किया, लाइक 1.5 आवर्स, 1.5 ईयर्स. तो अच्छा था, बहुत मेहनत भी की गौरी के पीछे क्योंकि बरेली की लड़की है. आस्था वॉज महाराष्ट्रियन, तो मराठी कोलोकली बहुत बोलते हैं हम मुंबई में, तो मुझे आती थी. गौरी की भाषा, शी इज़ फ्रॉम बरेली, उसके न्यूएंसेस, ये सब सीखने में काफ़ी मेहनत भी लगी. एंड आस्था वॉज एजुकेटेड, गौरी हैड दैट रस्टिक थिंग, 5वीं पास थी एंड पढ़ी लिखी नहीं थी बट इंडिपेंडेंट थी. आस्था और गौरी में एटलीस्ट ये स्ट्रीक था, इवन सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर एंड बोल्डनेस ऑल्सो. ना श्लोक से डरती थी आस्था, ये भी ओंकारा से कभी डरी नहीं है, तो ना काली से डरी है, हु इज द विलन इन हर लाइफ. तो आई थिंक हाँ, सिमिलैरिटीज भी थी बट मेहनत गौरी के पीछे ज्यादा गई उसके लैंग्वेज से. ओके, तो चाहे आस्था का किरदार हो या गौरी का किरदार हो, हमेशा एक प्यार भी पाना है अपने पार्टनर से, उसके लिए इतने सारे कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करना है. सो बीइंग ऑन 16 ऑलवेज, सुनने वाली फीमेल्स हैं तो उनको भी कभी कभी प्यार पाना होता है, तो क्या टिप देना चाहोगे आप? हमारे शोज देख के प्यार बिल्कुल मत खींचे, वैसे प्यार नहीं होता है. प्यार कब हो जाता है पता नहीं चलता, जिंदगी कब छू के चली जाती है वी डोंट इवन रियलाइज, बट आई फील उस मोमेंट में रहना और उसको संभाल के रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड स्ट्रगल्स तो होती ही है, ऑफकोर्स होती है लाइफ में, शोज में भी जो हम दिखाते हैं. एंड आई थिंक अगर कोई पसंद आता है तो कैसा भी हो, इम्परफेक्ट हो, आई थिंक यू शुड स्टिक. ओके, और शोज करते हुए कोई जब किरदार करना है, जब एक्शन होता है, तो कभी दिल घबराया है फर्स्ट सीन से लेकर अब तक? मुझे हमेशा नर्वसनेस होती है, आज भी अगर कोई बड़ा सीक्वेंस होता है या कुछ होता है, आई गेट नर्वस बिफोर गेटिंग इनटू अ न्यू शो. आल्सो आई गेट नर्वस बिकॉज आई थिंक नर्वस होना इज अ वेरी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी एंड इट्स अ गुड थिंग दैट यू गेट परफॉर्मेंस और अच्छी होती है. हां, आई फील यू आर मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स योर वर्क. ओके, तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी आपके साथ चल रहे हैं, तो कोई नए वेंचर, कुछ और किरदार में कुछ नजर आने के ऐसे चांसेस हैं या अभी? क्योंकि जो इश्कबाज है वो इटसेल्फ ऐसा लगता है एक मूवी चल रही है, सच में जो हम भी देखते हैं तो ऐसा लगता है एक मूवी है. उसकी कहानी इतनी ज़्यादा इनग्रॉस किया है उसने, और साथ के साथ TRP भी उसकी लगातार बढ़ दी गई है. तो इश्कबाज के साथ साथ ही चल रहे हैं या फिर कोई नए वेंचर के साथ भी आ रहे हैं? फिलहाल तो इश्कबाज पे ही मेरा पूरा कंसंट्रेशन है क्योंकि यू डोंट गेट टाइम टू डू मेनी थिंग्स, बट इश्कबाज की वजह से बहुत सारे एड्स और वो सब की ऑफर्स आ रही है मुझे. एंड माय गुजराती फिल्म दैट आई शॉट बिफोर इश्कबाज और दिल बोले ओबरॉय, वो भी रिलीज होने की कगार पे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड राइट नाउ. तो कैन यू गिव छोटा सा हिंट कि कैरेक्टर उसका कैसा है उसमें, क्योंकि आप अपनी जगह की फिल्म कर रहे हो. सो दैट वाज द बेस्ट थिंग क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने गुजराती सिनेमा को कुछ इनपुट दूँ, बिकॉज एज एन एक्टर आई रियली फील दैट आई शुड एक्सप्लोर मोर. तो द फिल्म इज अबाउट अ हस्बैंड एंड वाइफ एंड इट्स आल्सो म्यूजिकल ड्रामा. ओके, सो या इट्स नाइस फिल्म, बाकी ज्यादा नहीं बता रही, नहीं बता सकती मैं, बस इतना काफी है. ओके, तो अब आप ऑलरेडी अपनी ब्यूटी का कमाल दिखा चुके हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, और उसके आगे पूरे फैमिली का, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला, जैसे कि आप बता रहे थे कि यहाँ तक आप पहुँचे, तो इसके आगे ये प्यारी सी चिड़िया और कितने उड़ान भरने वाली है? Sky is the limit always, and
लाइफ हैज इट्स ओन वे टू सरप्राइज यू. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने एज अ किड जो सोचा था, जो सपना देखा था, वो कभी पूरा होगा, क्योंकि मुझे लगा माय पेरेंट्स वुड नॉट सपोर्ट मी, क्योंकि आई एम अ मिडिल क्लास गर्ल. दूर दूर तक लेना देना नहीं है किसी का एक्टिंग के साथ कुछ भी. माय मदर इज अ बैंकर, माय फादर इज एन इंजीनियर, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. तो इन सब चीजों में कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग विल हैपन टू मी. सपना देखा था, किसी को बोला नहीं था. माय मॉम डिडंट इवन नो दैट आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर और अ मिस इंडिया फॉर दैट मैटर. आई वांटेड टू बिकम वन. तो बट होता गया, लाइक आई सेड, लाइफ हैपेंस. एंड माय कॉन्टेस्ट जीती फर्स्ट एंड आई कुडंट बिलीव दैट माय पेरेंट्स आर सो एक्साइटेड टू सी मी लाइक दिस. ओके.